है जानकारी मिल रही है। बावल नगर पालिका चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है और बीजेपी उम्मीदवार शिव नारायण जाट आज नामांकन अपना दाखिल करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल नामांकन में मौजूद रहेंगे। नामांकन के दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है और पूर्व प्रदेश पालिका चेयरमैन चंद्रपाल चौकन भी इस दौरान जहाँ पर शामिल रहेंगे, उनकी तरफ से भी नामांकन जो है वो किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय अत्री रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, नामांकन आज भरने वाले हैं बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं और इस दौरान कहा जा रहा है कि सहकारिता मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे, पूरी जानकारी विस्तार से दें। जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं नामांकन का आज जो आखिरी दिन है, बावल नगर पालिका के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। 19 जून को ये चुनाव होंगे और 22 जून को यहाँ परिणाम आएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर शिवनारायण जाट जो कि आज बावल से नामांकन भरने के लिए अभी जा रहे हैं और अभी आपको बता दें शिवनारायण जाट के घर से ये कार्यकर्ताओं का काफिला नामांकन भरने के लिए उनके साथ जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी उनका नामांकन भरवाने के लिए यहां से जा रहे हैं जो कि हमारे साथ अभी मौजूद है और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की जो प्रक्रिया यहां अपनाई जाएगी, क्योंकि चुनाव में अब बहुत कम वक्त रह गया है और नामांकन का आज जिस तरीके से आखिरी दिन है। अभी सीधे डॉक्टर बनवारी लाल से बात करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आगे की रूपरेखा रहेगी। डॉक्टर बनवारी लाल, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे शिवनारायण जाट को जिस तरीके से पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, क्या कुछ आगे की रूपरेखा होने जा रही है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने बावल नगर पालिका चुनाव के चेयरमैन पद के लिए मास्टर शिवनारायण जी को उम्मीदवार चुना है और आज उनका नामांकन भरवाने के लिए हम सब लोग, हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम सब लोग सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके घर घर जाके एक एक वोटर से संपर्क करेंगे और उनको अपने पक्ष में करने। डॉक्टर, एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से पहले जेजेपी भाजपा जिस तरीके से अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया, बाद में एक दोनों पार्टी एक साथ खड़ी दिखाई दी और आज चूंकि बात करें बावल की, जननायक जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था यहां से और भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, क्या मान करके चले कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के शिवनारायण जाट का पूरा समर्थन करेंगे और हर तरह जिताने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता एकजुट होकर के मास्टर शिव नारायण जी को जिताएंगे और पूरे मिलजुल कर ही हम पूरे कन्वेंशन और सब लोगों के पास जाएंगे और ऐसा कोई नहीं, कोई मतभेद हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है। एक आम आदमी पार्टी भी पूरी जोर अजमाइश करती यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला आम आदमी पार्टी ने किया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, क्या लगता है आपको? हर पार्टी अपना चुनाव लड़ती है, कोई ऐसी बात नहीं है, नई पार्टी है और तो प्रीति, देखा किस तरीके से डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया अभी कि यहाँ से नामांकन भरने के लिए प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अभी यहाँ पर जो है काफी एक बड़ा काफिला यहाँ शिवनारायण जाट के साथ यहाँ डॉक्टर बनवारी लाल की मौजूदगी में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जोश और उत्साह के साथ कार्यकर्ता यहाँ पर जो है जुटे हुए हैं और रेवाड़ी रोड ये बावल का है जहाँ पर की कार्यकर्ता भारी संख्या में एकत्र हुए हैं और डॉक्टर बनवारी लाल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं। जी शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर शिवपाल नारायण जो प्रत्याशी हैं नगर पालिका के, वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और उनके साथ प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल मौजूद हैं और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है इस वक्त रेवाड़ी में उनके साथ उमड़ा हुआ है। और वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, गुरुग्राम में आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है, जरा बताएं यहाँ पर कौन से प्रत्याशी हैं, कौन ज्यादा मजबूत हैं और आज कौन कौन नामांकन दाखिल करने वाले हैं? देखिए प्रीति, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम के सोना में निकाय चुनाव यहाँ पर घोषणा हो चुकी है, बिल्कुल बच चुका है और आज नामांकन दाखिल भरने का आखिरी दिन है। अगर बात की जाए टिकट की, दो टिकट की दावेदारी
अलग अलग कैंडिडेटों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ठोकी थी, लेकिन बीजेपी की जो टिकट है इंदू को मिली है। और यहाँ पर जो अगर भारी की बात की जाए तो जो आजाद उम्मीदवार है जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। यानी उषा रानी लगातार हावी होती जा रही है। आप देख सकते हैं प्रीति, भारतीय जनता पार्टी की टिकट इंदू को मिली हो, लेकिन उषा उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पहले दावेदारी थी ये सोचा जा रहा था कि उषा को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी, लेकिन आज नामांकन दाखिल भरने का आखिरी दिन है और लगभग अगर बोला जाए 40,000 के करीब सोना में वोट है, 12,000 के करीब महिला पहला जो मतदान करेगी, एक बूथ पर लगभग 1200 वोट है वो डाले जाएंगे। और मेरे आजाद उम्मीदवार है जो आप देख सकते नामांकन दाखिल भरने जाएगी, क्या कुछ एजेंडा है दाखिल करने का, क्या कहना चाहेंगे आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने का? मैं महिलाओं का सहयोग करूंगी, जो कमजोर महिलाएं, किस तरह का प्यार आपको मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है, आप देख ही पा रहे हो, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए प्रीति, बिल्कुल आप देख सकते हैं आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन बिल्कुल यहाँ पर देखा जा रहा है और आज सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपने दाखिल करने के लिए यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी पास पहुंचे हैं। लगातार अगर बात की जाए तो जो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है वो ललितों को बना गया है, इन लोगों का अलग कैंडिडेट है, इतना दूर जेजेपी और साझे का उम्मीदवार है, अगर आजाद जाए तो आजाद बिल्कुल। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं आजाद उम्मीदवार के जो समर्थक हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित है नामांकन भरने के लिए। इस वक्त आजाद उम्मीदवार जो हैं उषा रानी वो पहुंच रही हैं। शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो नगर पालिका चुनाव को लेकर आज नामांकन के आखिरी दिन है और नामांकन के आखिरी दिन तमाम प्रत्याशी जो है अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं।